五岳衡山之路，泗水湘江之滨，一座现代化的高等学府南华大学，吸纳多重精神光辉，承载多重历史重任，在新时代新征途中为追求梦想而腾飞。20世纪50年代，南华大学为国家两弹一星、医疗卫生迫切需要专门人才而建，为服务国计民生初心而立，为共和国加强现代化建设而强。60余年来，学校秉承勤勉务实、甘于奉献，刚建资深工程研究中心、国家首批临床教学培训示范中心等4个国家级平台，拥有6所直属型附属医院，其中4所为3级甲等医院。踏上新征程，全体师生将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心，牢记使命，朝着建设高水平大学目标砥砺奋进，再创辉煌，再谱华章。जी स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना के अंदर आ चुका हूँ और बिल्कुल इसकी एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। और अभी हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे कि एंट्रेंस से होते साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हो जाती है, इसके दोनों तरफ में राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस वगैरह होती हैं। और ये इस टाइम यूनिवर्सिटी का इंटरनल व्यू हम लोग आपको दिखा रहे हैं, मेरे साथ मेरे सारे स्टूडेंट्स भी कुछ मौजूद हैं। जी तो मैं इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना का जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। ये मेरे बिल्कुल साथ जो है बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं, ये तकरीबन ये 5 to 6 बिल्डिंग्स जो हैं बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पे बॉयज़ के लिए हैं। और इसके दूसरी तरफ जो है गर्ल्स हॉस्टल है जो कि बिल्कुल अलहदा है, बॉयज़ के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहला ये होता है कि जो बच्चियाँ हैं या गर्ल्स जो हैं वो कहाँ पे रह रही हैं, उनका सेपरेट डोम है या नहीं है। तो ये बॉयज़ सेक्शन में हूँ इस टाइम, ठीक है। तकरीबन सभी बिल्डिंग्स में 8-8 फ्लोर्स हैं और इसी तरीके से गर्ल्स का भी जो हॉस्टल है वहाँ पे भी 8-8 फ्लोर्स हैं। और उसके बाद जो है जो हर रूम में जो 3 बेड भी रूम मौजूद हैं, यहाँ पे 4 बेड रूम भी मौजूद हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो जो हॉस्टल वगैरह यूनिवर्सिटी के लिए जो है उन्होंने मखसूस किया हुआ है। तो ये भाई दिखाई दे रहा पूरा, अभी हम लोग चलते आ रहे हैं, ठीक है। सारी जो है ना हॉस्टल ही है। जी तो मैं इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना का एक प्ले ग्राउंड है वहाँ पे मौजूद हूँ। ये बिल्कुल जो है ग्राउंड जो है बॉयज़ हॉस्टल के बिल्कुल साथ में है, क्योंकि किसी भी आप यूनिवर्सिटी में या कहीं भी रह रहे हैं तो स्पोर्ट्स एक दुनिया ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो उस हवाले से ये दिखाना चाह रहा हूँ आप सबको कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बाकायदा बहुत सारे काफ़ी ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है क्योंकि हॉस्टल्स के बिल्कुल पास है। यहाँ से बिल्कुल अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, और इस बिल्कुल जो है मेरे बैक पे फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग है जहाँ से स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया। यहाँ से लोग जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो अभी इस टाइम कुछ स्टूडेंट्स के साथ अपने में मौजूद हूँ, तो कुछ क्वेश्चन इनसे करते हैं कि इनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये रूट्स कंसल्टेंट्स के थ्रू आए इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो जी तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा व्यूज़ को बताएं आपका नेम क्या है और आप इस टाइम किस ईयर में पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस अपने बारे में कुछ शेयर करें। मेरा नाम है शेरजान अली और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मतलब शिकायत का मौका नहीं मिला। और अभी हम फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और
सलमान भाई हमारे पास आए हैं, इनका बड़ा शुक्रिया। तो अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप जब आए थे, तब से लेके अब तक यहाँ पे आपको एजुकेशन के सिस्टम, मेडिकल के सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 4 साल हमारे तकरीबन गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से स्टाफ भी हमारे ऑफिस में तकरीबन पाकिस्तानी है और कुछ फॉरेनर्स टीचर्स भी हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी के हवाले से हमें कोई टेंशन नहीं और मेडिकल के। ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारे ये जानना चाहते हैं, अगर पता नहीं चाइना में जब आप एमबीबीएस करने जाते हैं तो मोस्टली ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना चाइनीज लैंग्वेज में मेडिकल होता है, तो वो जरा व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पे किस लैंग्वेज में आपको एमबीबीएस यानी कि मेडिकल किस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है? सही सही, नहीं ये बिल्कुल उन्होंने गलत सुना है। जहाँ पे चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कुछ में ऐसे कराया जाता है, लेकिन अपना मेजर है मेडिसिन, वो 5 साल का ही है और इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। चलें, थैंक यू। नो जी स्टूडेंट्स, इस टाइम जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ से जो अभी एंटर से हम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए हैं, पीछे मेरा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पीछे अभी कुछ क्लास वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे। जी स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और अभी जो है मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एंट्रेंस हम लोग कर रहे हैं। तो अभी आपको वहाँ पर जाके जो है कि लैब वगैरह में जाकर आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं और वहाँ पे किस किस किस्म के इक्विपमेंट्स हैं और यहाँ पे किस किस चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए अगर आप ऊपर चल के तो लैब में चल रहे हो। जैसे अभी कुछ देर पहले हम एक लैब में गए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में एक लैब है वहाँ पर मौजूद है, कि उसी तरह एक और लैब है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता है, स्टिचेस वगैरह लगवा सिखाए जाते हैं, डेड बॉडीज वगैरह दी जाती हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ये बड़ी डिजिटल किस्म की लैब है, और जो आपके सामने जो जितने भी ये यूटेंस है बड़ी हुए हैं, सभी इनमें डेड बॉडीज वगैरह पड़ी हुई हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको प्रैक्टिकल के लिए जो है डेड बॉडीज दी जाती हैं। ठीक है, ये ओरिजिनली एक किसी बच्चे का या जो भी है उसका स्केलेटन मौजूद है। तो बाकी इसी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा लैब्स इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं बिल्डिंग में, जो कि अभी राइट नाउ हम लोग इतने ज़्यादा शूट ले नहीं सकते, लेकिन जैसे आपको दिखाने के लिए कि किस किस्म की लैब होती है, बहुत ज़बरदस्त और जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है लैब्स में। तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत मौके दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, उनका अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो। और इसलिए ये भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको पता हो कि वहाँ पर प्रैक्टिकल किस तरीके से करवाया जाता है। जी तो स्टूडेंट, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना की जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उसके बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हूँ। और अभी यहाँ पे मैं खुद भी नाश्ता करने आया हूँ और अभी अंदर जाकर मैं नाश्ता भी करूँगा, क्योंकि इसके सामने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये होता है कि वहाँ पे या पेरेंट्स को कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ पे हलाल फूड मौजूद है कि नहीं। तो ये बताता चलूँ ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी ही है, यहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, पाकिस्तानी फूड अवेलेबल है, और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में खाना खा रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा है, और ये पाकिस्तानी कौन है। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वही कहते हैं कि यहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है कि नहीं। तो इस हवाले से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना में बनाया गया, और अभी खुद ही मैं अंदर जाके यहाँ से ही नाश्ता करूँगा। और ये रेस्टोरेंट है, ये इसकी आपको इंटरनल व्यू दिखा रहा हूँ, इंटरनल व्यू है जी सारा। इधर से अभी हम दूसरी तरफ एंटर होंगे, यहाँ पे ब्रेक है, सुबह सुबह का टाइम है, स्टूडेंट्स आए नहीं, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट नाश्ता करने आया हूँ ताकि आप सबको बता सकूँ यहाँ पे क्या हलाल फूड